सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद। हल्का राजपुरा के लोगों के हरमन प्यारे विधायक सरदार हरदयाल सिंह कंबोज ने पिछली सरकार के समय में यहां की तहसील कॉम्प्लेक्स में चल रही लूट को रोकने के लिए अपने साथियों जिनमें ब्लॉक कांग्रेस के प्रधान श्री नरेंद्र शास्त्री व सरदार बलदेव सिंह गद्दो माजरा के साथ तहसील दफ्तर में पहुंचकर उस समय के तहसीलदार को मौके पर ही सबक सिखाया था और उस समय से आज तक तहसील कॉम्प्लेक्स में लोगों को उक्त लूट से राहत दिलवाई थी। आज भी विधायक सरदार हरदयाल सिंह कंबोज ने यह महसूस किया कि स्कूली बच्चों के नतीजे निकल चुके हैं और बच्चों को किताबों में राहत दिलवाई जाए। उसी के चलते आज सरदार हरदयाल सिंह कंबोज जी ने अचानक कुछ चुनिंदा पत्रकारों को बिना कुछ बताए अपने निवास स्थान पर बुलाया। उस समय विधायक जी के निवास पर विधायक जी की टीम के सबसे वफादार सिपाही ब्लॉक कांग्रेस प्रधान श्री नरेंद्र शास्त्री व बलदेव सिंह गद्दो माजरा भी मौके पर मौजूद थे। उसके बाद क्या हुआ आपको बताते हैं। अचानक विधायक सरदार हरदयाल सिंह कंबोज ने सभी पत्रकारों सहित अपने साथियों को साथ लेकर अचानक पहुंच गए राजपुरा के सबसे बड़े किताबों के विक्रेता रवि बुक डिपो पर, जहां सरदार हरदयाल सिंह कंबोज ने वहां मौजूद बच्चों के माता पिता से बातचीत की व फिर रवि बुक डिपो के मालिक राकेश दुरेजा से बात करने के बाद मौके पर ही यह फैसला लिया कि अब रवि बुक डिपो सहित राजपुरा के सभी किताबों के विक्रेता किताबों सहित अन्य सामान पर कुल 22% की छूट देंगे। इस मौके पर जहां विधायक सरदार हरदयाल सिंह कंबोज ने पत्रकारों से बात करते हुए किताबों पर 22% की छूट का ऐलान किया, वहीं रवि बुक डिपो के मालिक श्री राकेश दुरेजा ने भी विधायक सरदार हरदयाल सिंह कंबोज द्वारा लिए गए इस फैसले को मानते हुए क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखो मैनू लगभग कई दिनों तो बहुत मतलब के फीडबैक आ रही थी, मेरे पेरेंट्स थे मैनू कॉल भी करिया उन्होंने और भी मैं काफी को मतलब देखता रहा है ते मैं ये तो बाद मैं काफ़ी पता किया अपने तौर पर चंडीगढ़ तो भी पटियाला तो भी बाकी शहरों तो भी मैं पता किया भी असली सही पोजीशन की है। मैं कुछ जोड़े पब्लिशर से उन्होंने भी रबता करके भी की सही पोजीशन मैं दसो भी क्योंकि मैं अपने शहर के पिछले 40-50 साल तो जोड़ा कोई वापर रहा मैं नहीं हूँ। सो दैन मैंने काफ़ी जरा गंभीरता किसी ने कहे तो नहीं खुद मैं हूँ ही मतलब कि तुम्हें भी प्रेस वाले भी कहा कि मेरे को आओ भी अपने कितने जाना मैं दसिया भी नहीं तुम्हें भी नहीं दसिया तो ना इन्हों पता है ना जो मेरे नाल साथी आए उन्होंने मैंने पीछे रोक चुका उन्होंने भी नहीं पता है तो मैं क्या मैंने अचानक जाना चाहिए कि मैं पेरेंट्स को मैं पता करा सही पोजिशन इन्हों तो भी मैं पता लग जाए जी। देखो रवि बुक जोड़ा डिपो आ सा राजपुरे का बहुत बड़ा डिपो आ मैं इस गल की खुशी आ कि इन्हों का कारोबार बहुत वधिया है और ऐसी गल नहीं पिछले समय तो जिनी रिक्वायरमेंट पूरी इन दे कोल आके होंगी है तो गल मैं ये भी नहीं चाहता है कि इन का जोड़ा नुकसान हो पर मैं ये तो ज़्यादा ये जरूर चाहागा कि मापिया का फायदा हो जरूर चाहागा मैं तो मैं हूँ इन को आया सी कि मैं इन्हों कि तुम घट्टो घट टोटल लमसम जोड़ा है वह 25% तुम जोड़ा है वह छोट करो क्योंकि मैं पिछों सारा को पता करके आया सी कि 30% के नेड़े जोड़ा इन्हों का मार्जिन है तो हो सकता एक 2% वध भी हो सकता घट भी किसी से घट भी हो सकता कई घट भी है किसी वध भी है मतलब कुल मिला के जोड़ा है 30-32% इन्हों बन चलो 8-10% इन्हों के खर्चे भी है इंप्लाईज भी रखे हुए आ बिजली के बिल भी आ जोड़े इन्नी माल लैके आने का इंट्रस्ट भी है सारा को कट के दैन आई डिसाइड मैं तैयार नहीं है अभी तो 12 से बट हूँ असी मैं शहर बींग ए रिप्रजेंटेटिव ऑफ द सिटी इस सेवादार होने के नाते मैं इन्हों बेनती की है कोई धक्का नहीं कर रहा इन्हों और मेरी बेनती इन्होंने स्वीकार किया कि जोड़ा है ये कुल जोड़ा टोटल मतलब के परचेज जोड़ा भी कोई करेगा उसको 22% जोड़ा है वो जोड़ा फ्लैट जोड़ा मतलब के वो ये जोड़ा है कंसेशन जोड़ा है वो डिस्काउंट जोड़ा वो देंगे। सो ये गल मैं चाहागा कि राकेश हुनी जोड़े ओनर आ ये अपने मूँह नाल भी बोलन के ये असी 22% जोड़ा है वो सारा छोट दें। MLA साहब जी किताबा की जी हैगी जरूरत वो साल च एक बार लौड़ होंगी है बच्चों को मैनू प्रधान जी का जो हुक्म दिता है सिर मत्थे 22% ही देना 22% ही देना
मैं क्या 15% रखो और तुसी धक्का कर रहे नहीं धक्का नहीं मैं कर रहा मैं बिल्कुल धक्का नहीं कर रहा जी कल भी कोई तकलीफ है मैं तो मेरी पूरी टीम मैं पूरी टीम मेरी थोड़े नाल है इस ऐसी कोई गल नहीं है कि जे थोड़े नाल भी किसी टाइम से मैं हूं धक्का नहीं कर रहा मैं किसी शहर निवासी नाल धक्का नहीं होने दिया हर दुख सुख के मैं थोड़े नाल हाँ हर हर मामले ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਰ ਇਸ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਸਤੂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ अब आज विधायक सरदार हरदयाल सिंह कंबोज जी द्वारा किताबों पर 22% छूट दिलवाकर जहां बच्चों और उनके माता पिता को काफी राहत दिलवाई है वहीं न्यूज 89 द्वारा पूछे गए सवाल कि विधायक जी किताबों की जरूरत तो लोगों को साल में एक बार होती है मगर दवाइयों की तो पूरे साल जरूरत होती है दवाइयों की छूट संबंधी आप क्या कहेंगे तो उन्होंने अभी किताबों के मुद्दे को पहल देते हुए दवाइयों के मुद्दे पर बाद में कार्रवाई करने की बात कहकर फिलहाल दवाई विक्रेताओं को अभी कुछ दिनों के लिए राहत दी है मगर विधायक जी द्वारा दिए गए किताबों पर छूट के इस फैसले की शहर में बहुत तारीफ हो रही है राजपुरा से कैमरामैन ललित कुमार के साथ मीडिया पर्सन संदीप चौधरी दिनेश सचदेवा न्यूज 89 सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए धन्यवाद